चलो गाइज, वेलकम बैक टू एसेंस डेली मीडिया। और वापस आ गया हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और अटेंशन सीकिंग बना सकते हैं कि कोई भी देखे तो उसे रुके थोड़ी देर। ओके, सो इंस्टाग्राम स्टोरीज का काफी सारा ऐसा फीचर है जो हम जनरली बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो उन सब के बारे में जानेंगे। सो चलिए आपको मैं अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। ओके, सो लेट्स गो। सो गाइस, पहला स्टोरी आइडिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे जाना है और हम लोग डालेंगे स्टोरीज। तो हम लोग अभी जैसे हम लोग कोई भी एक फ़ोटो लेते हैं और इसका तो बैकग्राउंड अभी देखो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। बैकग्राउंड में ऐसे कुछ भी कलर आ गए हैं, तो अभी हम एक कलर लेंगे जिसको ओवरले करेंगे इसको। ओके, इसको कोई भी हम एक कलर ले सकते हैं। हम लोग जैसे ऑरेंज लेते हैं और बस ऑरेंज लेना है और 2 सेकेंड तक फ़ोटो के ऊपर टैप करके रखना है। 1-2। ओके, आ गया। और अभी आप इसे स्क्रैच कर सकते हो। ओके, आपको ये रबड़ सेलेक्ट करना है। ये देखो रबड़ स्क्रैच कर दो, साइज आप इधर सेलेक्ट कर लो और ये रहा। ओके, तो काफ़ी एक्सक्लूसिव लग रहा ना यार। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट आप चाहो तो 3D भी बना सकते हो। जैसे हम लोग लिखते हैं न्यू। ओके, फॉन्ट आप कुछ भी सिलेक्ट करो, हम लोग यही सिलेक्ट करते हैं बेसिक फॉन्ट। ओके, न्यू, एक और बार न्यू लिखो आप, न्यू। और इस बार हम लोग इसका कलर अलग करेंगे। कलर हम लोग चूज़ कर सकते हैं कुछ भी आपका जो मर्जी। हमने ग्रीन चूज़ किया यहाँ पे, तो इसे सेम साइज का करो और हल्का सा साइड में लो। ये देखो, सो हाउ इज़ इट लुकिंग गाइस, 3D और नॉट? मुझे तो 3D लग रहा है। ओके, सो अभी आप म्यूजिक के लिए आप इधर सॉन्ग सर्च करो, सॉन्ग ऐसे कुछ भी दे सकते हो आप, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा फिर आपका स्टोरी। और कोई भी एक सॉन्ग प्ले करके उसको हाइड कर दो आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड आइडिया। और सेकेंड आइडिया के लिए गाइज, मल्टी इमेजेस ऐड करने के लिए हमें नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ ना करके हमें माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड आता है स्विफ्ट की, उसे यूज़ करना होगा। ओके, सो चलिए पहले उसको डाउनलोड कर लेते हैं। स्विफ्ट की, स्विफ्ट कीबोर्ड। ओके, मेरा तो पहले से इंस्टॉल है तो मैं अपडेट में लगा देता हूँ। ओके, सो गाइज आपको अभी सेटिंग में जाके माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड सर्च करो आप, माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड यहाँ आया और इसको ऑन कर लो आप। और इधर डिफ़ॉल्ट के बजाय माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड सेलेक्ट कर लो। ओके, सो अभी हम लोग जाते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, इसे कट करते हैं, डिस्कार्ड। अभी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर से एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, इसको ही बैकग्राउंड में रहने देते हैं। ओके, और फिर इसके ऊपर एक और इमेज डालते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा टेक्स्ट में, स्टिकर, और स्टिकर में जाने के बाद हमें करना है क्रिएट। ओके, क्रिएट, गॉट इट। ये हमें करना है क्रिएट, तो हमारा ये हमने ये सेलेक्ट किया। ओके, इमेज के ऊपर इमेज। ओके, ऐसा आप कर सकते हो। अब चाहो तो जितने इमेजेस ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। हम लोग अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं और हम चाहते हैं कि साइड में स्क्वायर बॉक्सेस आए। ओके, तो उसके लिए हमें एक सिंबल कॉपी करना होगा, coolsymbol.com से, coolsymbol.com। ओके, क्या चाहिए हमें? स्क्वायर बॉक्सेस चाहिए। ओके, ये तो रेक्टेंगल बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स भी अच्छा आएगा, हमारे साइज का मिल जाएगा। कॉपी हो गया गाइस, सी दिस हैज़ बीन कॉपीड। अभी आपको इधर जाना है, टेक्स्ट में जाना है और इधर सिंपली पेस्ट कर देना है, पेस्ट। ओके, डन। इसका साइज आप, ये तो इसके पीछे रह गए, इसका साइज आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, अभी देखो। ओके, अभी हम लोग सेकेंड वाले टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट फॉन्ट में आओ गाइस। उसमें आपको एक डॉट लिखना है और बस कलर कुछ एक सेलेक्ट कर लो। इसे हम सेलेक्ट करते हैं ब्लैक। ओके, ब्लैक। अभी इसे स्पेस देते हैं, स्पेस देके इसे बड़ा करना है। ओके, स्पेस देके लिखा,
कुछ लिखा नहीं है, बस हमने स्पेस देके इसे बड़ा कर लिया। ओके, तो हम इसे कॉर्नर में लगा सकते हैं ऐसे, ये देखो। ओके, को सिंपली इस पे जाना है और कलर में आप चाहो तो अपने इमेज में से कोई कलर सेलेक्ट करते हो या कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हो। तो हम लोग इमेज में से सिलेक्ट करेंगे कोई कलर, हम लोग ये कलर सेलेक्ट करते हैं लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू हमने सेलेक्ट किया और फिर हम 2 सेकेंड के लिए टैप करके रखेंगे, देखो आ गया। ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना गाइस। ओके, सो इसे करते हैं डन। और अभी हम लोग चाहते हैं इधर लिखना न्यू पोस्ट। ओके, तो इसके लिए हम लोग 3 लाइंस बनाएंगे, टेक्स्ट में जाना है हमें बस अंडरस्कोर देना है और उसका एक लाइन बना लेना है। ओके, अंडरस्कोर डन। अब इसे आप उठा के आप जैसे मर्जी वैसे लगा सकते हो, हम लोग यहाँ लगाते हैं ऐसे, हम 3 लाइन लगाएंगे। ओके, हमें टेक्स्ट बस लिखना है। आप एकदम लास्ट वाले फॉन्ट में जाओ, हमें लिखना है न्यू, बस एन लिखेंगे हम, इसे देंगे वाइट कलर एन, और ऐसा लगेगा जैसे इसमें लटकाया गया है एन ई। देखो हमारा स्टोरी नॉर्मल रहने से के बजाय कैसा अभी दिख रहा है, नॉर्मल भी रह सकता था और अभी कैसा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अटेंशन सीकिंग दिख रहा है ना गाइस। ओके, सो ये है एक दूसरा आइडिया। ओ, ये ऊपर आ गया, अभी मैं आपको एक और आइडिया करके दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस लेट्स ट्राई आवर थर्ड आइडिया, एक फ़ोटो लेते हैं। ओके, इसे हम लोग बैकग्राउंड में ही रहने देते हैं, इसके ऊपर एक और फ़ोटो लेंगे, स्टिकर में गए और रेडी है हमारा फ़ोटो सेंड और आ गया। ओके, इसका पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ओके, आपको इस पे जाना है, कलर कोई भी आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। इस बार हम लोग रेड लेते हैं, नहीं येलो लेते हैं। ओके, 2 सेकेंड तक टैप करके रखना है, बैकग्राउंड में आपका कलर आ जाएगा। ओके, और इसमें भी आप रफ भी कर सकते हो अभी भी, ये देखो पीछे बैकग्राउंड में जो आपने दिया था वो भी है, आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, आप जो मर्जी वो कर सकते हो गाइस। इधर पे अभी हम इधर 2 स्क्वायर बॉक्सेस लगाते हैं कॉर्नर्स में। ओके, तो हमें जाना है coolsymbol.com पे, मिल गया स्क्वायर बॉक्स। ओके, बहुत सारे शेप्स है गाइस, इधर डायमंड शेप भी हैं, बहुत सारे शेप हैं। हैज़ बीन कॉपीड हो गया हमारा शेप सिंबल, अभी हमें आके इधर पेस्ट कर देना है टेक्स्ट में जाके, पेस्ट। ओके, तो साइज बढ़ा लेते हैं। गाइस अच्छा लग रहा है, अभी नीचे हम लोग कुछ लाइंस लगाएंगे, अभी हमें लाइंस लाने हैं, तो हम जाएंगे अंडरस्कोर का लाइन बनाएंगे, साइज बड़ा। कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं इधर स्टार लगाना, स्टार रहने दिया जाए, ये स्क्वायर बॉक्स ही लगाते हैं कुछ और। ओके, सिंबल पे गए, हमें क्या चाहिए था, स्क्वायर हमने सेलेक्ट किया, कॉपी हो गया, टेक्स्ट में गए, पेस्ट डन, स्क्वायर बॉक्स। ओके, सो गाइज अभी हम लोग नीचे लिख सकते हैं न्यू पोस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। ओके,
आप चाहो तो इसे भी फ्रेम कर सकते हो, आपका जो पूरा स्टोरी को एक फ्रेम दे सकते हो आप। पहले हम लोग लिख देते हैं न्यू पोस्ट, आपको इसे सेलेक्ट करना है, आपको ब्लैक डॉट पे वाइट कलर से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, डॉट दो इधर, इधर हम लोग लिखेंगे न्यू, नीचे लिखेंगे पोस्ट वाइट कलर से। ओके, तो अभी हमें टेक्स्ट में जाना है, न्यू डन, टेक्स्ट उठा के लाएंगे, इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। अभी लिखना है पोस्ट, ओके, इसे हम लोग लिखेंगे ब्लैक कलर में, तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लगेगा। न्यू पोस्ट, ओके, सो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, सो हम और भी ब्लैक डॉट्स दे सकते हैं नीचे, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हमें जाना है इस पर और फिर साइज सेलेक्ट करना है और उस हिसाब से हम लोग डॉट्स दे सकते हैं। ये हो गया, क्या दे सकते, सो गाइस ये देखो स्टोरी, अभी ये कैसा लग रहा है आप बताओ जरूर कमेंट में। ओके, और आप म्यूजिक डायरेक्टली सॉन्ग आप हाइड करके रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके सो गाइस सिर्फ ये 3 स्टोरीज आइडिया नहीं है, आपको जैसा मर्जी आप वैसा बना सकते हो, आपको तो पता चल ही गया कौन सा चीज कहाँ से लेना है और कहाँ लगाना है। ओके सो गाइस इन 3 स्टोरीज में से कौन सा स्टोरी आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, आप कमेंट में जरूर बताओ। और आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।